Hey guys, welcome to StudyIQ. I'm Shallu Saini. I qualified NET JRF four times, June 2014, December 2014, June 2015 and December 2015. तो आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट JRF. क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी नेट JRF को के टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और मेजर सब्जेक्ट्स हमारे कौन से रहेंगे. कुछ सब्जेक्ट्स हमारे जो सिलेबस में इस बार नए ऐड हुए हैं, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेजर है, जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली रेज होते ही होते हैं. कुछ सब्जेक्ट हमारे नॉर्मल हैं, तो हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा एम्फसाइज करना है और किस सब्जेक्ट को हमें नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट JRF होता क्या है. मेनली जो नेट JRF होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की जो हमारी टीचिंग पोस्ट्स होती हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नेट की रहती है. और उसके बाद JRF, जो हमारा नेट JRF होता है. JRF क्या होता है कि जो PhD स्टूडेंट्स करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जम्पशन कैटेगरी में उनको एडमिशन मिल जाता है. ये अपने वैरी करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी. किसी यूनिवर्सिटी में वो एग्जम्पशन कैटेगरी में एडमिशन हो जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में नेट JRF वालों को भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलते हैं. बट JRF का मेन फोकस जो रहता है, JRF होल्डर्स को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है. एक अच्छा पैकेज देती है गवर्नमेंट, 25,000 पर मंथ गवर्नमेंट अभी एट प्रेजेंट में JRF होल्डर्स को दे रही है. उसके बाद SRF होता है दो साल के बाद, जब आप PhD में विद इन टू आफ्टर टू ईयर्स आप काम करते हो, अपना सेमिनार्स वगैरह देते हो, उसके बाद आपका जो प्रमोशन हो जाता है जूनियर रिसर्च फेलो से आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हो, उसमें आपकी स्कॉलरशिप भी इंक्रीज हो जाती है. अगर स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो उसमें 25,000 आपकी JRF में स्कॉलरशिप रहती है और 10,000 आपको कंटीजेंसी मिलती है. और HRE भी इसमें मिलता है 10%, वैरी करता है. अगर आप NCERT में रह रहे हो तो वहाँ आपको 20% मिलेगा. अगर नॉर्मल लोकल सिटी में रह रहे हो तो वहाँ को 10% क्या मिलेगा, HRE भी मिलता है. अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो वो वैरी करता है कि हॉस्टल में वो कुछ 400-500 रुपए HRE पे करते हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूँ SRF की, सीनियर रिसर्च फेलो की, वहाँ पे स्कॉलरशिप 28,000 हो जाती है और आपकी जो कंटीजेंसी है वो 20,000 हो जाती है. तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑल स्टूडेंट्स के लिए कि आपने JRF क्वालिफाई करने के बाद PhD में एडमिशन ले सकते हो और स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो. मेनली जो स्कॉलरशिप है वो फाइव ईयर्स के लिए होती है. फोर ईयर्स तक आपको नॉर्मल स्कॉलरशिप मिलती है, टू ईयर्स आपको JRF मिलेगा, नेक्स्ट टू ईयर्स आपको SRF मिलेगा. अगर आपके फोर ईयर्स में PhD कंप्लीट नहीं होती है तो आप इसमें वन ईयर की एक्सटेंशन ले सकते हो, और उस वन ईयर की एक्सटेंशन में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. स्कॉलरशिप उस वन ईयर की एक्सटेंशन में आपको SRF के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलेगी. और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबमिशन की, जब आप अपनी थीसिस जिस दिन सबमिशन कर देते हो तो उस दिन आपका JRF या SRF जो भी है वो क्या हो जाता है, क्लैप्स हो जाता है. उसके बाद आप स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते. तो आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट JRF, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी नेट JRF को प्रिपेयर करने के लिए. तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो ने नेट का जो सिलेबस कॉमर्स का दिया है वो दिया है 10 यूनिट्स में. उन्होंने डिवाइड किया है सिलेबस को. इस बार काफ़ी कुछ नया ऐड हुआ है, तो हम बात करेंगे कि कौन सा सिलेबस नया ऐड हुआ है, कौन सा पुराना है, हमें किस बुक से कौन सा टॉपिक कवर करना है. सबसे पहले जो हमारी यूनिट रहेगी वो रहेगी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस लास्ट टाइम क्या था कि दोनों अलग अलग यूनिट होती थी. इस बार इन्होंने क्या किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट को और इंटरनेशनल बिजनेस को क्या कर दिया, मर्ज करके एक पूरी यूनिट बना दी है. तो फर्स्ट में इसके जो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, ये सारा का सारा किसका है, बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा. ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का. यहां तक ये जो फर्स्ट यूनिट है ये पूरी बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट है. आफ्टर दैट स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड्स ऑफ एंट्री इन टू बिजनेस, यहां से हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू हो जाता है. इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में फिर हमारी ट्रेड थ्योरीज आती हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट इज टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर, फॉरेन पॉलिसी, ये सब किस में रहेगा, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में रहेगा. पहले कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट से कुछ इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह को स्किप कर दिया है, जो पीछे हमारे सिलेबस में थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्किप कर दिया. बट यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में ग्लोबलाइजेशन शो हो रहा है. इट मीन्स हमें जो 1991 की जो पॉलिसी थी हमारी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस पॉलिसी को स्किप नहीं करना है. वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें वो 1991 वाली पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी,
सिलेबस में कवर करनी पड़ेगी. उसके बाद FDI का इन्होंने एक पूरा टॉपिक दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्होंने एक पूरा टॉपिक दिया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ FDI, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI, होम एंड होस्ट कंट्रीज के लिए क्या होम कंट्री के लिए FDI के बेनिफिट्स रहेंगे, क्या होस्ट कंट्री के लिए बेनिफिट्स रहेंगे, और ट्रेंड्स इन FDI और इंडियन FDI पॉलिसी. ये पूरा इस बार FDI से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, क्योंकि पहले FDI की हम एक सिर्फ टॉपिक के रूप में इसे पढ़ते थे, बट इस बार FDI का इन्होंने पूरा का पूरा क्या दिया है, एक यूनिट दी है FDI की, और इस बार FDI से क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं. उसके बाद आता बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये पिछली बार भी रहा था टॉपिक हमारे सिलेबस में, इस बार भी है. उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस बार टॉपिक ऐड हुआ है. पहले हम क्या करते थे, इसको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ते थे, एक नॉर्मल ठीक है सभी ग्रुप्स का हमने स्टडी कर लिया, व्हाट इज सार्क, व्हाट इज एशियन ग्रुप, नेफ्टा, साफ्टा, ये हमने पढ़ लिया. बस इस बार इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने को बोला है. इकोनॉमिक यूनियंस को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, फ्री ट्रेड एरिया को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, रीजनल फ्री ट्रेड एरिया को. उसके बाद आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक और अंगताड. ये तीनों पिछली बार भी होते थे और इस बार भी हमारे सिलेबस में है. IMF, वर्ल्ड बैंक और अंगताड को, IMF और वर्ल्ड बैंक कब बने थे, क्या उनका काम है, किस तरीके से वो काम करते हैं, मेंबर कंट्रीज कौन है, लास्ट मेंबर कंट्री कौन ऐड हुई है, किस कॉन्फ्रेंस के अंडर ये बने थे. उसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, WTO के फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, गेट, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ट्रिप्स और ट्रिम्स से एक क्वेश्चन रेज होता है, हर बार एक क्वेश्चन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से भी रेज होता है, फॉर एग्जाम्पल IMF या वर्ल्ड बैंक या अंगताड से. तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट जो रहेगी बिजनेस एनवायरमेंट की रहेगी, बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट. इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूँ तो कोई भी बुक जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, बहुत कोई भी टेक्स्ट बुक से भी काम चल सकता है, बट मेनली बात क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. टेक्स्ट बुक से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, बस एनवायरमेंट हमारा थोड़ा सा करंट को ज़्यादा कंसर्न में रखता है, तो एनवायरमेंट के लिए आपको अपडेट जो हमारी करंट अफेयर्स रहती हैं, जैसे IMF के बारे में क्या चल रहा है, एंगटार्ड के बारे में क्या चल रहा है, हमारी फॉरन ट्रेड पॉलिसी क्या है, FDI क्या है, इंश्योरेंस में FDI क्या है, तो वो टाइप ऑफ FDI या फिर इंडियन पॉलिसी क्या है FDI के रिगार्डिंग, तो वो सारा हमें करंट से रिलेट करना पड़ेगा. करंट का अगर हम इंटरनेट से बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट को, करंट का जो है वो हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, और जो हमारे स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनको हम किसी भी टेक्स्ट बुक से कवर कर सकते हैं. मेन थिंग इज योर टॉपिक शुड बी क्लियर. सेकेंड, अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वहाँ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट रहेगी. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट में कुछ बेसिक है और जो पुराना भी है और कुछ बेसिक स्टैटिक पोर्शन है. फर्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग जिसमें हमारी रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आ जाएगी. उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज. इस बार यहाँ पे इन्होंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के टॉपिक को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, बट लास्ट टाइम वो टॉपिक क्या था, सिलेबस में रहता था. उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग का है. ये वाली अकाउंटिंग जो बेसिक अकाउंटिंग है वो आप 12th की बुक से भी कवर अप कर सकते हो, जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग है. और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये हमारे 12th वाली बुक्स में बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हो. किसी भी CBSE बोर्ड की या कोई और बोर्ड है, वहां से आप अगर इसको कवर करोगे तो बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगा वहां से. उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हमारी यूनिट आती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसमें हमारी एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और ये सब कॉस्टिंग आ जाएंगी. इसके लिए बीकॉम में एक बुक आती है ग्रेजुएशन लेवल पे, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक पढ़ी है वहां से आप ये बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो. उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस. अगर बिल्कुल आपने आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो ये तीनों चैप्टर भी आप 12th की बुक से कर सकते हो. वहां पे बिल्कुल इन चैप्टर्स की ABCD दी हुई है, मीन्स की बिल्कुल बेसिक से दिया हुआ है. रेशो एनालिसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. उसके बाद फंड फ्लो एनालिसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. कैश फ्लो एनालिसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है 12th की बुक में. इवन अगर आपको 12th की बुक थोड़े से नॉर्मल लगती है तो आप ग्रेजुएशन की कोई भी बुक हायर कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो. उसके बाद आती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों ही अब की बार नए ऐड हुई हैं
एनवायरमेंटल अकाउंटिंग. पहले क्या होता था, हम इसका जस्ट एक जस्ट पढ़ते थे कि क्या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है. क्वेश्चन हार्डली कोई रेज होता था, बट इस बार इन्होंने पूरे के पूरे चैप्टर दिए हुए हैं, तो मे बी क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं. इस बार क्या रहेगा कि जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनसे कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से क्वेश्चन ज्यादा रेज होंगे इंस्टेड ऑफ ऑल टॉपिक्स. उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो. उसके बाद आता है ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड कॉस्ट ऑडिट. ये ऑडिट का जो पूरी की पूरी यूनिट रहेगी, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ये पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो. बीकॉम सेकेंड ईयर में एक ऑडिटिंग की बुक रहती है, ऑडिटिंग एंड कंपनी ला की एक बुक होती है, वहां से आप कवर कर सकते हो ऑडिटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट. पहले ऑडिटिंग था सिलेबस में, बट इतना ज़्यादा वाइड नहीं था ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट. इस बार इन्होंने पूरी की पूरी एक यूनिट दे रखी है, तो मे बी क्वेश्चन ऑडिटिंग से रेज हो सकते हैं. तो ये हमारी सेकंड यूनिट थी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को आप जो नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ लेवल की बुक्स है वहाँ से कवर कर सकते हो. बुक हमें अच्छे राइटर की बुक पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए वहाँ से. मेनली जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, क्योंकि जो एजर्शन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, वहाँ पे वो पूरी की पूरी ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट उठा के देते हैं जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. थर्ड यूनिट जो रहेगी हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की रहेगी. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, सेम वही पूरा का पूरा सेम सिलेबस रहा है. इवन एक आधी यूनिट इन्होंने बिल्कुल स्किप बेशक कर दी हो, लेकिन कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जो इन्होंने न्यू ऐड की होगी, सारी वही यूनिट्स हैं. इसमें आपकी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फ्रॉम डिमांड एनालिसिस की पूरी यूनिट. बहुत ईजी यूनिट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है डिमांड एनालिसिस से. उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कॉस्ट, इन सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं. मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या रहती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो यहां से भी एक आधे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. उसके बाद एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी से क्वेश्चन रहेगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में स्कीमिंग प्राइसिंग, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, पीक प्राइसिंग क्या रहती है. और उसके बाद जो हमारा मार्केट है, मार्केट से डेफिनेटली एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारे परफेक्ट मार्केट है या फिर हमारी जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपोली से किन की डिमांड कर्व का क्वेश्चन मोस्टली टाइम मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में रहा है ओलिगोपोली का क्वेश्चन. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है. आप ट्वेल्थ की बुक से भी, अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ट्वेल्थ की बुक प्रेफर कर सकते हो. अदरवाइज वीके पब्लिकेशन की एक बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक बुक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, वहाँ से मार्केट जो है पूरी की पूरी मोनोपोली परफेक्ट मार्केट आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो. यहाँ से इन्होंने जो हटाया है टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स से, वो मॉनेटरी पॉलिसी को हटा के वो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट में इन्होंने रख दिया है. और एक इन्फ्लेशन के टॉपिक को भी इन्होंने यहां से हटा दिया, लास्ट टाइम इन्फ्लेशन भी आपके सिलेबस में होता था. उसके बाद आता है बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लास्ट टाइम इसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, इन्होंने कुछ इस बार फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वगैरह के टॉपिक ऐड करके यूनिट का नाम चेंज करके बिजनेस फाइनेंस कर दिया है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपकी 4 से 5 लाइनें हैं सिलेबस की, वर्किंग कैपिटल तक, ये वर्किंग कैपिटल तक पूरा सिलेबस FM से रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रहेगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई अच्छी बुक आप पढ़ सकते हो, IIM पांडे की आप बुक पढ़ सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की काफी अच्छी बुक है वो. उसके बाद जो इसके थर्ड फोर्थ लाइन में जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के साथ ही आप एड ऑन कर सकते हो रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस को. रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग एक ही चैप्टर के पार्ट है. उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को आप इंटरनेट से भी स्टडी कर सकते हो, हमारा क्या ओवरव्यू था पास्ट में, प्री वॉर में क्या था, पोस्ट वॉर में क्या हुआ, फिर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आई तो क्या रहा, उसके बाद लास्ट में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद एंड होने के बाद और आज तक हमारा प्रेजेंट सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, तो वो आप इंटरनेट से आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा. वहाँ से आप विकिपीडिया से भी इवन आप इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को पढ़ सकते हो, मैंने देखा है वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है.
उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रिस्क, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एडीआर, जीडीआर. एडीआर एंड जीडीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है मैंने प्रीवियस ईयर्स में, जैसा कि देखा है. मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग जो है वो बिल्कुल नया टॉपिक ऐड हुआ है. वो कैपिटल बजटिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है. जब आप अब्रॉड में कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है या कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट बजटिंग की को किस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेटिक मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग के बेस पे. तो ये रहेगा हमारा बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक, यहाँ से आप कवर कर सकते हो. उसके बाद आता है हमारा यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड. यहाँ पे रिसर्च मैथड में काफ़ी सारा आपको चेंजेस मिले हैं. नीचे जो नीचे की दो यूनिट्स हैं वो टोटली ही न्यू एड हुई हैं. जेट टेस्ट, टी टेस्ट पहले भी होते थे थोड़े से, अनोवा पहले था, काई स्क्वेयर पहले था. जो यू टेस्ट और एच टेस्ट है, रैंक कॉरिलेशन और रिपोर्ट राइटिंग, ये टॉपिक्स जो हुए हैं इस बार नए ऐड हुए हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हो, फर्स्ट पेपर के लिए नेट जेआरएफ कॉमर्स का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है, फर्स्ट पेपर में जो आप रिसर्च पढ़ते हो वहीं से आप यहां से भी क्या कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो. और इसके लिए सी आर कोठारी की बुक बेस्ट रहती है. ईजी बुक है, ईजी लैंग्वेज है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो रिसर्च के टॉपिक्स. उसके बाद जो हमारा रिसर्च का रहेगा, कॉन्सेप्ट एंड टाइप डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, ये सारा का सारा आप सी आर कोठारी से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो. उसके बाद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक में क्या है आपका, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपका बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स रहेगी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस रहेगी. यहाँ तीनों का किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएशन की बुक से आप स्टैट कवर कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें. उसके बाद कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल पोजीशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, बाइनोमियल पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था. ये बाइनोमियल पोजीशन मैनेजमेंट के नेट के पेपर में आता था, बट इस बार इन्होंने कॉमर्स में भी डाल दिया है. उसके बाद कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन टू ऑफ टू वेरिएबल्स बहुत मोस्ट इजी टॉपिक है, ये आप कर सकते हो. बेस थ्योरम और अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी इस बार इन्होंने नया एड ऑन किया है. तो ये रहेगा हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को आप एम कॉम की एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है, वहाँ से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो. मेनली जो रहेगा आपका सिलेबस बुक से कवर करने का, तो वो जो आपने बी कॉम और एम कॉम में जो बुक्स पढ़ी हैं उन्हीं को अच्छे तरीके से, अगर आप पूरे जब आपने बीकॉम एमकॉम में पढ़ी होंगी तो वो सिर्फ जस्ट फॉर पासिंग मार्क्स पढ़ी होंगी. अगर आप अब नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो तो उन बुक्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, आप एक बार पूरे को थ्रू आउट करोगे, उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे. अगर बीकॉम एमकॉम की जो आपकी बेसिक और टेक्स्ट बुक्स रही हैं तो वहाँ से भी आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और सभी पूरा जो आपका कॉमर्स का पेपर घूमता है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे घूमता है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी उस चीज़ को अगर वो घुमा के भी देते हैं या कोई क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो वहाँ भी आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ईजिली आप सर्वाइव कर पाओगे. तो ये था हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स का. रिसर्च मेथड के लिए आप सी आर कोठारी प्रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट यूनिट जो आती है हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आती है. लास्ट टाइम क्या होता था, बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट थे. इस बार इन्होंने दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है. तो फर्स्ट में हमारे प्रिंसिपल एंड ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाएगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये क्या है, इससे क्वेश्चन मोस्टली रेज होता है. प्रीवियस ईयर्स के मैंने पेपर देखे हैं, उनमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आया हुआ है. मोटिवेशन एंड लीडरशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोटिवेशन एंड लीडरशिप की जो थ्योरीज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. वहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो मैच द फॉलोविंग्स के लिए आता है, कौन सी थ्योरी में क्या बात कही गई है, वहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोविंग में रेज होता है. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, डैम श्योर नहीं हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा. उसके बाद ये तो हमारे था बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट से इन्होंने काफ़ी कुछ स्किप भी कर दिया है इस बार. और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वहाँ से हमारा क्या है, पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप वीएसपी राव की बुक प्रेफर कर सकते हो, अच्छी बुक है. क्योंकि ये इन बुक से क्या होता है, एजर्शन एंड स्टेटमेंट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे के ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा लेते हैं वहाँ से, जो वीएसपी राव की बुक है. या फिर अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो.
ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पे अगर आपने कोई बुक पढ़ी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, इस बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वही रोल कॉन्सेप्ट फंक्शंस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज नेगेटिव प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का. और जो ये 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन रेज होता है हर बार. इसमें इन्होंने बोला है कि इंक्लूडिंग 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि बाकी सभी जो और टेक्निक्स हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा, वो टेक्निक्स भी आपने क्या करनी है, सारी के सारी कवर करनी है. यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे. उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक में ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा. जो ये वाली यूनिट है पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनेमिक्स और पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारा का सारा आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक से मिल जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक आप क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो. तो ये रहा सिक्स यूनिट रहेगी हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. उसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि सारा का सारा आप इंटरनेट से पढ़ो, क्योंकि बैंकिंग और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डेली अप टू डेट चेंजेस होते रहते हैं. तो इसमें हम सिंपल पढ़ेंगे फाइनेंशियल, हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या रहा है, टाइप ऑफ बैंक, जिसमें हम हमारे कॉमर्शियल बैंक, RRBs, फॉरेन बैंक, कॉपरेटिव बैंक, RBI, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, बेसिल नॉर्म, बेसिल नॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज NPA मैनेजमेंट, इस पर नया टॉपिक ऐड हुआ है. और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेवलपमेंट बैंक, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल NBFCs जिसे हम बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स, ये सब हमारे बैंकिंग से रहेंगे. ये अगर हम इंटरनेट से प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटली अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए बैंकिंग के रिगार्डिंग. उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, काफ़ी मोदी सरकार ने इस बार फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काफ़ी एम्फेसाइज किया हुआ है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं. उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब इंटरनेट से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो. ये इतने कॉमन टॉपिक हैं कि आप एक बार सर्च करोगे तो बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे रिजल्ट्स ओपन होके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक है. या फिर अगर कोई आपको फ्रेंड या आपको बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी बैंकिंग वाला पोर्शन यहाँ से कवर कर सक वहाँ से भी कवर कर सकते हो इस वाले पोर्शन को. बैंकिंग के नोट्स सफिशिएंट फॉर इट. उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की जो टोटल नई यूनिट इन्होंने ऐड की है इस बार, इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड द मैनेजमेंट फैक्टर लिमिटिंग एंड इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फॉर्म जो इसका है IRDA है, एंड और IRDA के क्या रोल हैं. तो ये हम इंश्योरेंस की यूनिट भी हम इंटरनेट से कवर कर सकते हैं. अगर मैं ऑल अबाउट कहूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टोटली हम अगर इंटरनेट से करें, क्योंकि वहाँ पे टोटली अपडेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं हमारी, और हम जो नेट अगर क्वेश्चन पूछता है, नेट JRF वाले अगर क्वेश्चन पूछते हैं UGC वाले बैंकिंग वाली यूनिट से, तो वो टोटली करंट का पूछेंगे. जैसे NPA का काफ़ी अभी पीछे RBI वाला टसल हुई है RBI और गवर्नमेंट के बीच में, तो वो सारा NPA के ऊपर था, तो NPA के ऊपर क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं इस बार. उसके बाद आती है हमारी 8th यूनिट, जिसमें हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा. मार्केटिंग मैनेजमेंट में वही मुझे लगता है मोस्टली सारा ही ऑल्ड सिलेबस रहेगा, जिसमें कॉन्सेप्ट, अप्रोचेज, मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटजी मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिसीजन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजन में कौन से फैक्टर्स प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, प्रमोशन डिसीजन, प्रमोशन मिक्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट में चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये मार्केटिंग के लिए आप प्रेफर कर सकते हो फिलिप कॉटलर. बाकी फिलिप कॉटलर मैं इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ी सी है लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी टिपिकल है, बट मैं इसीलिए फिलिप कॉटलर रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट उठ के क्या आते हैं आपके पेपर में, एज इट इज स्टेटमेंट्स आती हैं. तो इस वजह से एक दो बार आप फिलिप कॉटलर से थ्रो आउट हो जाओगे, तो आपको एक बार में तो खैर समझ नहीं आएगी, आप दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तो फिलिप कॉटलर आपको समझ आ जाएगी. मैंने खुद पर्सनली एक बार पढ़ी हुई है फिलिप कॉटलर. तो मार्केटिंग हम फिलिप कॉटलर से क्या कर सकते, कवर कर सकते,
सकते हैं. उसके बाद जब आपको ये है कि मुझे दो दिन बाद पेपर और एक बार मुझे पूरी मार्केटिंग का थ्रो आउट होना है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हो जिसमें बेसिक आपके मार्केटिंग के ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप हुए हों. उसके बाद आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. ये पूरी की पूरी 9th यूनिट जो है वो पूरी नई ऐड हुई है, जिसमें आपके सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आरटीआई एक्ट, जीएसटी जो नया आया है, जीएसटी से क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं क्योंकि जीएसटी इस बार नया रहेगा टॉपिक कॉमर्स जेआरएफ के लिए. उसके बाद हम देखेंगे इसके लिए जो बुक है वो सीए सीपीटी में एक बुक आती है मर्केंटाइल लॉ की, वहां से आपके काफ़ी सारे एक्ट ये कवर हो जाएंगे. बाकी आरटीआई एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये तीनों ही बहुत कॉमन से एक्ट हैं. यहाँ से ये आप इंटरनेट से भी कवर कर सकते हो. और जो अगर आपका कोई फ्रेंड लॉ की लॉ में है तो वहाँ से भी आप लॉ की बुक ले सकते हो. पर ध्यान रहे कि जो भी आपकी बुक रहेगी वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, वो 2019 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग होना चाहिए. और जो हमारा रहेगा कंपनीज एक्ट है वो आप बीकॉम की बुक से भी कवर कर सकते हो, वहाँ बहुत अच्छे से कंपनीज एक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन बेसिक बिल्कुल वहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की पूरी एक न्यू यूनिट है, इससे हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से कवर होने के चांसेस हैं. उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारी यूनिट रहेगी, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग. पहले क्या होता था, सिर्फ हमारे पास इनकम टैक्स का टॉपिक रहता था, इस बार इन्होंने कॉर्पोरेट प्लानिंग को भी ऐड कर दिया. कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में क्या है कि ये हमारी पूरी यूनिट हमें थोड़ी लग रही है कि बड़ी है, मैंने खुद पर्सनली एमकॉम में कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पढ़ा हुआ है, और वहाँ हम इसको थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे यही रहते हैं, मेक एंड बाय डिसीजन, ऑन एंड लीज, रिटेन, रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट एंड शट डाउन द कंटिन्यू ऑपरेशंस. एमकॉम में एक बुक आती है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, पतली सी बुक है, छोटी सी बुक है, वहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो. मैंने पर्सनली खुद पढ़ी है वो बुक, काफ़ी अच्छी है, एमकॉम में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे टैक्स प्लानिंग में. उसके बाद आते जो आपके इनकम टैक्स की, आप टैक्समैन की बुक प्रेफर कर सकते हो, टैक्समैन की बुक अच्छी है इनकम टैक्स के लिए. और एक साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है जो टेक्स्ट बुक है, जो बीकॉम में यूजली बच्चे पढ़ते हैं, वो बुक भी बहुत अच्छी है, जहाँ से आप बेसिक्स कवर कर सकते हो. अगर आपके, क्योंकि इनकम टैक्स को हम थोड़ा सा टिपिकल मान के चलते हैं, हर साल चेंजेस हो जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नया एड ऑन होता रहता है, तो इनकम टैक्स के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, मेनली जो रेजिडेंशियल स्टेटस है या फिर एग्रीकल्चर इनकम है, यहाँ से क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं. उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्स, ये जो टॉपिक इंटरनेशनल टैक्सेशन का, ये क्या हुआ, नया एड हुआ है. और जो ऊपर वाली फर्स्ट यूनिट है ये वही पुरानी यूनिट है, 5 हेड्स जिसमें आ जाएंगे, सैलरी हेड, कैपिटल हेड, अदर इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और डिडक्शंस आ जाएंगे उनके, 80C से 80U तक के डिडक्शंस इसमें कवर हो जाएंगे, एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी हैं. इस बार जो टैक्स से स्किप किया इन्होंने सिलेबस, वो स्किप किया है कैरी फॉरवर्ड इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड शट ऑफ लॉसेस वाला इन्होंने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड एंड शट ऑफ लॉसेस वाला इन्होंने टॉपिक क्या कर दिया, स्किप कर दिया है इस बार सिलेबस से, और इंटरनेशनल टैक्सेशन को न्यू एड ऑन किया है. तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हम एमकॉम की बुक से कर सकते हैं, और इनकम टैक्स हम कहाँ से कर सकते हैं, इनकम टैक्स हम टैक्समैन्स की बुक से भी कर सकते हैं, और एक टेक्स्ट बुक है जो मैंने बताई है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, वो भी बहुत अच्छी बुक है. अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से बेसिक क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं. आप कितनी भी अच्छी बुक पढ़ लो, जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप टैक्समैन पढ़ लो, पियर्सन, कुछ भी पढ़ो, जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. और इनकम टैक्स से नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देखे हैं, वहां से 5 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चंस में से आप 3 क्वेश्चंस तो बेसिक इनकम टैक्स से लगा सकते हो, 2 क्वेश्चन वो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से या फिर डिडक्शन से पूछ सकता है. एक क्वेश्चन मान लो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से पूछ लिया, एक क्वेश्चन वो क्या कर सकता है, डिडक्शंस जो हमारी लास्ट है, टीडीएस जिसे हम बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वहां से कर सकता है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स,
टैक्स ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन रेज हो सकते हैं. तो ये था हमारा सिलेबस जो इंटरनेट का नेट कॉमर्स का रहेगा. आपको कौन से टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल बजटिंग टॉपिक है, उसके बाद उसकी टेक्निक्स हैं, डिविडेंड पॉलिसी है, इनसे क्वेश्चन हर बार रेज होते हैं. आप लास्ट टाइम के अगर प्रीवियस ईयर्स के 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कोई ऐसा सिंगल ईयर नहीं रहा होगा जहाँ पे डिविडेंड से क्वेश्चन नहीं आया होगा, जहाँ कैपिटल बस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आया होगा, यहाँ जहाँ फिर अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूँ तो जहाँ लीगल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन नहीं आया होगा, मार्केटिंग के प्राइसिंग डिसीजन से क्वेश्चन नहीं आया होगा. तो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है उन टॉपिक्स को कवर अप करने की, फोकस जिन टॉपिक्स पर रहेगा. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सिलेबस जो इन्होंने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है. आपको इसको अच्छे से तैयारी करनी है सिलेबस की और नेट जेआरएफ क्लियर करना है. ओके, थैंक यू.